राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रधानमंत्री ने राज्यों से वैट घटाने की अपील की है। खबर तो ये एक लाइन की है, लेकिन इसके पीछे छिपा है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार और विपक्ष के बीच छिड़ा महाभारत, जो टैक्स कटौती में पहले आप की चक्कर घिन्नी पर नाच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब तक महंगाई पर विपक्ष के निशाने पर रहते थे, वो आज उन तमाम राज्यों को घेरते नजर आए जिन्होंने केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने के बाद भी राज्यों में टैक्स में कोई राहत नहीं दी। मौका तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक का था, लेकिन पीएम आज बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पलटवार के मूड में थे। पिछले 6 महीने में क्या हुआ है? आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया, अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज पीएम मोदी ने तेल कीमतों में महंगाई की आग की वजह रूस यूक्रेन युद्ध को बताया। प्रधानमंत्री ने केंद्र राज्यों के बीच तालमेल की दुहाई भी दी, विपक्षी मुख्यमंत्रियों से अपील भी की, कहा केंद्र ने नवंबर के महीने में एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, अब आपकी बारी है। आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री की अपील एक ऐसे वक्त पर आई है जब जनता सेंचुरी मार चुके पेट्रोल के दाम से बेदम है। प्रधानमंत्री ने उन राज्यों का नाम लिया जिन्होंने नवंबर में टैक्स घटाने की अपील ठुकरा दी थी। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना, अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल की कीमत पर राज्य और केंद्र के राजस्व का पूरा बही खाता समझाया। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत सरकार के पास जो राजस्व आता है उसका 42% राज्यों के पास चला जाता है। पीएम ने कहा कि कर्नाटक अगर वैट नहीं घटाता तो उसे भी इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी वैट घटाया था, नहीं घटाते तो 3 से 4 हजार करोड़ का ज्यादा राजस्व मिल जाता। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री की अपील पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने अपना टैक्स गणित सामने रख दिया।
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मुंबई में एक लीटर पेट्रोल पर केंद्र को 31.58 रुपए का टैक्स मिलता है, जबकि राज्य को 32.55 रुपए। वहीं एक लीटर डीजल पर केंद्र को 24.38 रुपए मिलता है तो राज्य को 22.37 रुपए। इस आधार पर उनका कहना था कि राज्यों पर बेलगाम कीमतों का आरोप लगाना गलत है। केंद्र और राज्य के इस टैक्स गणित में लेखा जोखा आम आदमी की जेब का गड़बड़ आ गया है और यहाँ पार्टियाँ एक दूसरे की पॉलिटिक्स बिगाड़ने का खेल खेल रही है। मोदी सरकार ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, मतलब राज्यों को भी और राज्य में रहने वाले लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है केंद्र की ओर से, ज्यादा पैसा उन पर खर्च हो रहा है, तब भी औसतम महंगाई दर यूपीए के जमाने से कम है और ग्लोबल सिनारियों में बहुत अच्छी तरीके से महंगाई दर को मैनेज करने का काम किया जा रहा है। परंतु सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जो फिर भी महंगाई का सवाल उठा रहे हैं वो अपने अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं, क्यों उन्होंने अपने अपने राज्यों में तो टैक्स बढ़ा दिए घटाने के बदले, क्यों उन्होंने अपने अपने राज्यों में वैट एक भी रुपया कम नहीं किया पेट्रोल और डीजल पर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो टू वे ट्रैफिक है ना, ये आप 26 लाख करोड़ कमा लें सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में पेट्रोल और डीजल पर, जीएसटी देने के वक्त जो आपकी संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें, और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए फिर राज्यों के पास आइए और पहले सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए सबसे पहले। आज तक ब्यूरो।